इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित मालवीय नगर के नजदीक बने हुए श्री राम जानकी मंदिर में चोरों द्वारा निशाना बनाते हुए दान पेटी के हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। श्रद्धालु जब सुबह पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी लगी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। इंदौर के सावन पावन माह में मंदिरों भक्ति नजर आ रही है, तो वहीं बदमाशों द्वारा भी मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चलाए गए दान पर सेंध मारने की घटनाएं सामने आ रही है। और ऐसा ही एक ताजा मामला खजराना थाना क्षेत्र स्थित मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे तपेश्वरी बाग कॉलोनी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां से बदमाशों द्वारा दान पेटी को तोड़ने के बाद उसमें से हजारों रुपए नकद लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और उसी दौरान बदमाशों ने चैनल गेट का ताला तोड़ने के बाद मंदिर में प्रवेश किया और उसके बाद दान पेटी को बाहर निकालकर दान पेटी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर जानकारी लगते ही पुलिस पहुंची और आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। चोरी की घटना के बाद वर्रावासियों में काफी आक्रोश का माहौल है। खजराना थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मंदिर था जो अभी ओटले के रूप में जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहां पर एक दान पेटी जो है वो अपने जगह पर नहीं पाई गई है, तो जिसमें पुलिस के द्वारा पुलिस की टीम मौके पर गई भी थी और इसमें जो फरियादी है मंदिर पुजारी व अन्य लोग उनके माध्यम से आवेदन प्राप्त करके इसमें FIR की कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।